हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास सिक्स का द गंगा चैप्टर टू पढ़ेंगे। बगैर देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आपको समझना रहेगा, जैसे कि अफेक्शन है। अफेक्शन मीन्स प्रेम होता है, प्रिय होता है, प्यार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर कहता है कि मुझे बहुत प्यार मिला है। पंडित नेहरू वो कहते हैं कि मुझे आई हैव रिसीव सो मच लव, मुझे बहुत प्यार मिला है। अफेक्शन भी प्यार को कहते हैं। फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, भारतीय लोग जनता से। दैट नथिंग कैन रीपे, नथिंग रीपे यानी कि नहीं अदा कर सकता है, नहीं अदा कर सकता हूँ मैं। आई टू डू कि मैं करूं, यानी अगर मैं करना चाहूं, अदा करना चाहूं उसको प्यार का, उसका बदला देना चाहूं, बदला नहीं दे सकता। मैं कुछ भी करूं मैं अदा नहीं कर सकता, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अदा, फ्रैक्शन कहते हैं एक हिस्सा को, एक छोटा सा हिस्सा भी अदा नहीं कर सकता। एंड इंडीड, इंडीड कहते हैं यकीनन वाकई, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, रीपेमेंट नहीं यानी इसका पेमेंट नहीं किया जा सकता, इस पर नहीं दिया जा सकता, चुकाया नहीं जा सकता है। ऑफ सो प्रीसियस थिंग्स यानी इतनी कीमती चीज़, प्रीसियस कहते हैं कीमती को। जो जो नए वर्ड्स इस तरह आते हैं इसको आपको टाइप करना रहेगा, याद करना रहेगा। प्रीसियस थिंग्स यानी कीमती चीज़, एज अफेक्शन प्यार के तौर पर, प्रेम के तौर पर, यानी प्रेम के तौर पर जो मुझे इतना प्यार मिला है मैं उसका शुक्रिया, उसका बदला नहीं दे सकता सिवाय शुक्रिया करने के। वो बात आगे आ जाएगी। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की तारीफ भी कही गई। एडमायर कहते हैं तारीफ करने को, प्रशंसा करने को, तो बहुत से लोगों की तारीफ भी हुई है। सम हैव रिवॉर्डेड, कुछ लोगों को इनाम भी मिला है। रिवॉर्डेड इनाम मिलने को कहते हैं। बट द अफेक्शन, लेकिन जो प्यार है, जो प्यार मिला है ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय जनता के तमाम क्लासों से, तमाम तबके के लोगों से, तमाम मज़हब के लोगों से, हैज़ कम टू मी, जो मुझे मिला है, इन सच अबंडेंट, अबंडेंट कहते हैं बे इंतहा, जिसको काउंट ना अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बे इंतहा लातादाद, मेज़र नापना, जो बे इंतहा पैमाने पर है, इसकी कोई इंतहा नहीं है, इसका कोई अंतिम नहीं है। यानी जो प्यार मुझे मिला है वो बे इंतहा है। आई हैव बीन ओवरवेलम्ड, ओवरवेलम कहते हैं मगलूब होना, यानी ये प्यार मुझ पर गालिब आ चुकी है और मैं मगलूब हो गया हूँ। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं डूब गया उनके प्यार में, इतना इन्होंने प्यार दिया कि मैं डूबा हुआ हूँ। तो अब यहाँ से इसकी मीनिंग करेंगे। तो तमाम लोगों, तमाम मज़हब के लोगों से जो मुझको प्यार मिला है वो बे इंतहा प्यार है। आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, जिस पर मैं मगलूब हो गया हूँ, जिससे मैं मगलूब हो गया हूँ, जिसके अंदर यह मैं डूब गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कहते हैं जाहिर करने को, बयान करने को, भाषण देने को। होप, मैं सिर्फ उम्मीद को बतला सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। इन द रिमेनिंग ईयर्स, बाकी सालों के अंदर में, आई मे लिव, जिसमें मैं जीवित रहूँगा, यानी मेरे पास जो जिंदगी है मैं बस एक उम्मीद को, उम्मीद लगा सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि उनके प्यार का, अपने लोगों के प्यार का मैं लायक नहीं रहूँगा कि मैं उसको कुछ अदा कर पाऊँ। अनवर्दी कहते हैं लायक न होना, वर्दी कहते हैं लायक होना, जैसे एबल होता है अनेबल होता है, एबल मीन्स लायक होना, अनेबल लायक ना होना, इसी तरह वर्दी लायक होना, अनवर्दी लायक ना होना। तो मैं लायक नहीं हूँ अपने लोगों का, उनके प्यार का, यानी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। टू माई इनुमेरेबल, इसको इनुमेरेबल भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह इनुमेरेबल भी पढ़ सकते हैं, इनुमेरेबल, इनुमेरेबल कहते हैं, इसको भी माने वही है, बेइंतहा है, लातादाद, जिसकी कोई हद नहीं है। कॉमरेड्स साथी को कहते हैं, जैसे कलीग साथी, इसी तरह कॉमरेड्स साथी को कहते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो बेइंतहा, जो मेरे बेइंतहा, जो लातादाद साथियों से जो मुझे प्यार मिला है, आई ओ, ओ मीन्स कहते हैं कि ज़रूरी है अदा करना,
OWE यानी ज़रूरी है अदा करना है, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है तो मैं कैसे चुकाऊँ। इवन डीपर डेप्ट, और एक गहरा कर्ज है ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्र करना, शुक्रगुजार को। बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अब याद करें कि मैं बराबर का कर्ज़दार हूँ, एक गहरा कर्ज़ हूँ शुक्रिया अदा करने का। ठीक है, तो सिर्फ मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, उसके अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं भारतीय जनता को दूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग कहते हैं किसी मंसूबे में, किसी काम में, कोई काम करना है तो उसमें साथ साथ लग के काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम साथीदार रहे हैं अजीम कामों में, अजीम यानी कोई अजीम मंसूबों के अंदर, अहम कामों के अंदर हम बराबर रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमने बांटा है द ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहते हैं कामयाबी को, सोरोज कहते हैं दुख परेशानी को, यानी कि हमने खुशी और दुखी सब हमने देखा है, हम एक दूसरे को बांट करके और साथ साथ रहे हैं। विच सर्टेनली कहते हैं यकीनी तौर पर, अकम्पनी यानी साथ साथ डैम उनके, यानी हमने साथ साथ ही क्या किया है, दुख और परेशानी को इसी तरह सुख को हमने बांट करके वहाँ ज़िंदगी हमने व्यतीत करी है। When I die, जब मैं मर जाऊँ, I should like my body, तो अब ये कह रहे हैं अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी to be cremated, cremated कहते हैं अंतिम संस्कार करने को, यानी अंतिम संस्कार किया जाए, बॉडी को जला दिया जाए, मेरी बॉडी को जला दिया जाए। If I die in a foreign country, अगर मैं मरूँ विदेश में यानी इंडिया से बाहर मरूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, तो मेरी बॉडी को क्या कर दिया, जला दिया जाए देर वहीं पर यानी विदेश के अंदर ही। एंड माई ऐशेज कहते हैं राख को, सेंड टू अलाहाबाद को भेज दिया जाए, बॉडी को जला करके उस राख को अलाहाबाद में भेज दिया जाए, उसकी ज़मीन में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ ऐशेज, दीज ऐशेज यानी इन राखों का एक मुट्ठी, हैंडफुल इसमें एक छोटी सी मुट्ठी में इस राखों का शुड बी थ्रोन, जो फेंक दिया जाए कहाँ, गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन, और मेजर कहते हैं बड़ा को, और बड़ा हिस्सा ऑफ दैम इनका यानी राख का, डिस्पोज्ड उसको ख़राब कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलू, जो नीचे बतलाया गया है। इंडिकेटेड के माने बतलाना, जो नीचे बैन किया गया है। अब नीचे क्या कह रहे हैं कि बड़े हिस्से के क्या करना है, छोटा हिस्सा तो आपको बतला दिया कि उसको गंगा नदी में डाल देना है, और बड़े हिस्से को क्या करना है, तो बड़े हिस्से के बारे में बतला रहे हैं कि उसको आसमान में ले जा करके और उसको फेंक दिया जाए, और बिल्कुल अलग अलग उसको बिखेर दिया जाए, ताकि वो हिंदुस्तान के ज़मीन में आकर के जहाँ पर लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और तरह तरह वो मिल जाए, और मेरा नाम और निशान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, कोई निशान ना रहे, ये बात बतलाई है। और यहाँ बतला रहे हैं नो पार्ट ऑफ दीज ऐशेज, और इन राखों का कोई भी हिस्सा को शुड बी रिटेन्ड, जो न रखा जाए और प्रिजर्व्ड, और उसको महफूज ना किया जाए, उनको रखा ना जाए, महफूज ना किया जाए उन राखों को। My desire to have a handful of ashes thrown in Ganga. मेरी ख्वाहिश है कि एक मुट्ठी राख को कहाँ डाला जाए, दरिया के अंदर, गंगा नदी में डाला जाए, एट अलाहाबाद के। Has no religious significance. तो ये कोई धार्मिक महत्व नहीं है, यानी ऐसा कोई नहीं धार्मिक में, ऐसा कोई मजहब में लिखा हुआ नहीं है कोई मजहबी अहमियत हो। So far as I concerned, बस मेरा जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, इसका हम करेंगे, जहाँ तक मेरा संबंध है, ताल्लुक है, I have no religious significance, के कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ये मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, दो बार इन्होंने कहा है। So far as I am concerned, या तो लिखने में गलती हो गई है, या दो बार इन्होंने कहा है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, I have no religious sentiment. सेंटीमेंट आप जानते हैं, मिजाज को कह सकते हैं आप, तो कोई मजहबी मिजाज नहीं है, या कोई मजहबी ताल्लुक नहीं है, या कोई मजहबी कोई ऐसा मजहब नहीं है इन द मैटर, जो किसी मैटर में उसको आदमी वजूद में लाता है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, बस मैं तो अटैच हूँ, मैं तो मिला हुआ हूँ गंगा से, मुझे गंगा से प्यार है।
एंड द यमुना रिवर इन द इलाहाबाद। बस मैं क्या हूँ, अटैच में मिला हुआ हूँ, शामिल हूँ गंगा नदी से और यमुना नदी से, कहाँ इलाहाबाद में। एवर सिंस माय चाइल्डहुड, में बचपन से ही, अब इसी ने बल्कि बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, दिस अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट भी यानी ये जुड़ाव भी, यानी मेरा नदी से, गंगा नदी से प्यार होना, आल्सो ग्रोन, ये भी क्या हुआ, बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मूड्स कहते हैं मिजाज को, और वेरिंग मुख्तलिफ, विभिन्न माने विभिन्न प्रकार के मिजाज को, एज द सीजन चेंज, मैं मौसम के बदलते समय में मैंने इनकी मौसम, इसके मौजों को देखा है, इनकी लहरों को देखा है, कैसे बदलती हैं पानी की लहरें, मौजें। एंड हैव ओफन थाट, और अक्सर मैंने सोचा ऑफ द हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, मीथ अफसाने के बारे में, ट्रेडिशनल कहावत कहानी के बारे, रिवायत के बारे में, सॉन्ग गीत, इसी तरह स्टोरी कहानी, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो कि क्या है, जुड़ी हुई है, ऑफ देम, इससे, किससे, गंगा से, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लॉन्ग एजेस कहते हैं एज्स, वर्षों से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोविंग वाटर, और ये हिस्सा बन चुका है बहते हुए पानी का। आगे कह रहे हैं, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, तो ये जो गंगा है ये ख़ास तौर पर क्या है, ये भारत की नदी है, और ये इन लोगों का प्यार है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, तो नदी जो है क्या है, लोगों का प्यार है ये। अराउंड विच आर इंटरविंड, इंटरविंड कहते हैं जो लोटपोट, जो हवा चलती है लोटपोट में होती है, चारों तरफ घूमती है, उसको इंटरविंड कहते हैं। तो इनके दरमियान यानी गंगा के दरमियान में हर रिसेल मेमोरीज, तो क्या है, नस्ली याददाश्तें हैं, जो पुराने लोगों से, बड़े बूढ़ों से हमने सुना है, वो सब यादें हैं। हर होप्स, उसकी उम्मीदें हैं, एंड फियर्स, और डर है, इसी तरह हर सॉन्ग, उसकी हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायंफ, ट्रायंफ कहते हैं कामयाबी को, कामयाबी की संगीत है। हर विक्ट्रीज, और उनकी क्या है, जीत है, इसी तरह उसका हार है, उसका पाथ में हार जीत लगा, यानी जो भी वहाँ पे पेश आया। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एट्स लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों के माने कल्चर यानी तहजीब है, ये लंबे समय से, एज लॉन्ग यानी लंबे समय से, ये एक नदी भारत की निशानी रही है, सिंबल कहते हैं निशानी को, एक निशानी रही है लंबे समय से, किस चीज़ का, एक तहजीब का, कल्चर का, एवर चेंजिंग, यहाँ तक है चेंज भी हुआ है, एवर फ्लोविंग, यहाँ के पानी भी बह गए इसमें से, एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन अभी भी क्या है, ये गंगा ही है, ये गंगा से बदला नहीं है, पानी ख़त्म हो जाए, भर जाए, चाहे हो जाए, लेकिन गंगा ही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो, तो ये मुझे याद दिलाती है, स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड कहते हैं बर्फ़ से ढकी हुई पीक्स, चोटी, जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटी को याद दिलाती है। एंड डीप वैलीज, वैलीज कहते हैं घाटी को, गहरे घाटी को, ऑफ द हिमालय, हिमालय के, हिमालय के गहरे घाटी को, वादी को, विच आई हैव लव्ड सो मच, बस इतना है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इस नदी से। एंड ऑफ रिच, रिच कहते हैं मालदार को, लेकिन यहाँ पर प्यार के बारे में करना है। एंड वॉश प्लेन्स बिलो, और प्लेन्स कहते हैं कि मैदान को, जो नीचे है, चाहे वो नौ के ऊपर बैठ कर के कहे, पानी में तैरता रहे, और ऊपर में कहे कि जो नीचे में ये कुशादा है, खुली हुई जगह है, मुझे बहुत प्यार है। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरी ज़िंदगी है, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा कार काम काज है, जहाँ मैं काम करता हूँ। इसमा, अब ये कह रहे हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग, अब ये हंसती है और मुस्कुराती है, डांस करती है, कब, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य उदय के वक्त, यानी जब सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी में, सुबह के वक्त में ये नाचती है, हंसती है। एंड डार्क, और डार्क यानी अंधेरे के वक्त में, यानी शाम के वक्त में। एंड ग्लूमी, उदासी आ जाती है, ग्लूमी कहते हैं उदासी को। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री कहते हैं रहस्य, यानी बहुत सारे इसके क्या रहस्य हैं। एज द इवनिंग शेडोज फॉल,
जब शाम के वक्त में छांव गिरता है, यानी शाम के वक्त में क्या अंधेरा गिरने लगता है, अनेरो जैसे कि तंग होना, यानी कि एकदम घटा सा होना, डर लगना, स्लो होना पानी का, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सुंदर नदी है कब, विंटर के अंदर में। सर्दी के मौसम में कैसा लगता है विंटर, अच्छी खूबसूरत नदी मालूम होती है, एंड वास्ट रोरिंग, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं पहले, किधर गया, वास्ट कहते हैं कुशादा को, यानी खुला हुआ, रोरिंग गुर्राना थिंग्स चीज़ें, यानी कि आवाज़ आती है, गुर्राने की आवाज़ आती है ड्यूरिंग द मानसून, मानसून कहते हैं बरसात के मौसम में, जब बरसात होती है चढ़ 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 पट 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 बारिश के बाद नहीं आती है, उसी को कह रहे कि आवाज़ आती है मानसून दरमियान में। ब्रॉड बोसोम्ड, बोसोम्ड भी एक कुशादे के लिए आते हैं, लेकिन वैसे बोसोम एक सीने के लिए भी आता है, छाती के लिए भी आता है, अगर आप इसको गूगल पर सर्च मत करना, वरना ये सीने के माने में आता है बोसोम, यहाँ कुशादे के माने करेंगे। ऑलमोस्ट लगभग एज द सी, समंदर, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, और कुछ चीज़ें हैं जो क्या करता है, जो समुद्र के पावर को नष्ट करता है। आई कह रहे द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, तो गंगा क्या है, गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरी एक निशानी है, गंगा क्या है, मेरे पास एक निशानी गंगा की, एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के गुज़श्ता याददाश्तें हैं, पास्ट गुजरा हुआ याददाश्तें, मेमोरी याददाश्त है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो क्या प्रेजेंट कहते हैं फ़िलहाल, फौरन अभी जो चल रहा है, तो हाल ही में क्या रनिंग कर रही है, चल रही है, एंड फ्लोविंग और बह रही है, ऑन द ग्रेट ओशन महासागर में, बड़े बड़े तालाब में, समंदर में, ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में भी। द मेजर, अब ये कह रहे हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज, अब जो मेरी राख का जो बड़ा हिस्सा है, मेजोरिटी बड़ा हिस्सा, वो कहते हैं क्या किया जाए, बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, यानी जहाँ तक हो नष्ट किया जाए उसको, डिस्पोज कहते हैं नष्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसको बखेर दिया जाए। आई वॉन्ट दिस टू, मैं चाहता हूँ दिस टू बी कैरियड, कैर कहते ले जाना है, तो उसको ले जाया जाए हाई अप ऊँचा, इन द एयर हवा के अंदर, इन द एरोप्लेन जहाज़ के अंदर, एंड स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड कहते हैं फेंक देना इधर उधर, इधर उधर थ्रोन हेयर एंड देयर, इधर उधर फेंक दिया जाए, बखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट ओवर, तो ऊपर से क्या किया जाए, उसको फेंक दिया जाए द फील्ड, खेत की तरफ, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल कहते हैं मेहनत करने को, जहाँ पर भारतीय लोग, भारतीय किसान क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल, मिंगल कहते हैं मिल जाने को, मिक्स हो जाना, तो ताकि ये तमाम इलाके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे विद द डस्ट, धूल के साथ में, एंड सोयल और मिट्टी के साथ में, ऑफ इंडिया, भारत के, भारत की मिट्टी और धूल के साथ में मेरे राख मिल जाए, एंड बिकम एन अनडेफिनेटेड, डेफिनेट कहते हैं पहचान को, इनडेफिनेट और अनडेफिनेट कहते हैं ना पहचान, यानी जिसकी कोई पहचान ना हो, पार्ट ऑफ इंडिया, जो जो भारत का एक ना पहचान हिस्सा बनकर रह जाए, कोई उसको जान ना सके। आई हैव राइटन दिस विल, विल यहाँ पर नियम के माने में, इसी तरह आगे दिया टेस्टमेंट, टेस्टमेंट कहते हैं नियम को, एक एक रूल को, तो अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि आई हैव रिटन, मैंने इस कहानी को लिखा है, इस टेस्टमेंट को, इस नियम को कब लिखा था, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लिखा था, ऑन द 21st 21 तारीख को ऑफ जून, जून की 21 जून को, इन द ईयर 1994 में, इस कहानी को पंडित जवाहरलाल ने कब लिखा था, 21 जून इसी तरह 1954 में ये कहानी लिखी। तो ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मेरे थ्रू आपने सुनी है, कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपलोड करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो इसलिए मुझे आपका प्यार, बस कमेंट करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए, आपका बहुत आभारी रहूँगा मैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा चैप्टर ही हल कर दूँ उसी टाइम, एक ही वीडियो के अंदर।
चलिए शुरू करते हैं। टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे। अब ये कह रहा है आई हैव रिसीव सो मच लव्ड एंड, अब यहाँ पे आपको अफेक्शन डालना है, ये अफेक्शन ही तो मिला था, प्यार मिला था, ठीक है। आगे है आई शैल नॉट बी, अब यहाँ पे आपको डालना है अनवर्दी, यानी कि मैं लायक नहीं रहूँगा, अनवर्दी है फर्स्ट वाला, इस पर टिक लगा देना है। थर्ड है व्हेन आई डाई, अब यहाँ पे आपको डाई लगा देना है, डाई वाले पे टिक लगा देना है। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन्ड, इसको रखा ना जाए, इसको महफूज ना किया जाए और प्रिजर्व, इसको ना रखा जा रहा आपको बल्कि इसको फेंक दिया जाए, इस पर टिक लगाना है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, तो ये रिवर है, इस पर आपको टिक लगाना है, ये भारत की क्या है, एक ख़ास तौर पर एक नदी है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, ये एक निशानी है गंगा, एंड मेमोरी, और याददाश्त है, ठीक है, गुजर हुआ याददाश्त है भारत का, तो इस पर आपको टिक लगा देना है। आगे है पंडित नेहरू वांटेड दैट दिस हैंडफुल ऑफ एशेज, जो जो मुट्ठी भर राख है उसको कहाँ डाला जाए, गंगा में, कहाँ, अलाहाबाद के, तो अलाहाबाद पे आप यहाँ टिक लगाइए, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसी तरह हैज़ नो रिलीजियस, किसका, पंडित नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पहले वाले में टिक कर देना आपको। पंडित नेहरू हैज़ वॉच्ड गंगास वेरिंग मोड्स एज द सीज़न, आपको ये सीज़न लगाना है, यानी कि मौसम में, बदलते मौसम में, सीज़न चेंज में। आगे पंडित नेहरू रोड दिस विल एंड स्टेटमेंट, जिस नियम को लिखा था पंडित ने, कहाँ लिखा था ये, न्यू दिल्ली में लिखा था, तो आपको न्यू दिल्ली पर टिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, तो कहानी की मदद से लाइन को क्या करेंगे आप, कंप्लीट करेंगे। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, तो ये आप सिंपल है, आप इसको पूरा कर सकते हैं कहानी के पीछे देख देख करके, जैसे इन्होंने कहा कि मैं लायक नहीं रहूँगा। ये दिया हुआ ना, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, ठीक है। जो आगे की बात थी पीपल के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ जैसे अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एशेज, एक मुट्ठी भर राख को लेकर के क्या करना है, यहाँ पे भी लिख रहा हुआ है इनका कि, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल हैंडफुल दिस एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, ठीक है, ये आपको टाइप कर देना रहेगा वहाँ पे। तो आपने ये सिंपल, आप इसको बुक में से देख देख करके मैं बताऊँगा सबको एक एक तरफ से, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप सबको इस तरीके से आपको देख देख के भरना है। आई हैव नो रिलीजियस स्टेटमेंट, इसके बाद में क्या हुआ आपको यहाँ टाइप करना है, शी रिमाइंड मी ए शो स्नो कवर्ड, आगे वो है यानी छोटी है, जो भी बहरहाल उसके बाद जो आपको टाइप करना है, तो सबके बाद में आपको बुक में देख देख करके आपको आगे इसको फिल कर देना है। ये सिंपल है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूँगा। आगे कह रहे हैं करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट, आपको सही बनाना है
री राइटिंग ने दोबारा से इनको लिखना है, जैसे कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव्ड एंड अफेक्शन ऑफ माई पेरेंट्स, तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है किससे, मैं पेरेंट माता पिता से, तो गलत है, आपको लिखना है ऑफ माई ऑफ इंडिया, बल्कि इंडिया के लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया, तो आपको ये दोबारा से लिखना है। इसी तरह यहाँ भी आई शैल बी वर्दी, यहाँ वर्दी लिखा हुआ अनवर्दी डालना आपको, दोबारा से इसको टाइप करना है, तो इसमें आपको सही करना जो भी गलत है। ये भी अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। आगे क्वेश्चन आंसर है, सॉल्व करते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द गंगा, गंगा इस स्टोरी कहानी का जो राइटर कौन है, तो आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है, ये लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, होम डज द राइटर ऑर टू, तो अभी कह रहे हैं किसका कर्ज है ये कर्ज, किसका कर्जदार है, पीपल ऑफ इंडिया, अब आपको ये डाल देना है पीपल ऑफ इंडिया ऑफ, ये डालना है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का, यहाँ से है आई ओ यानी मैं बराबर का कर्जदार रहा हूँ और गहरा कर्ज रहा है मेरे पास शुक्रगुजारी का, ये रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप वीडियो को सही तरीके से सुन लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाउ डज गंगा लुक इन द इवनिंग, शाम के वक्त में कैसा लगता है गंगा, कैसा लगता है, तो आपको डालना है। अब यहाँ जो है इन्होंने ये डार्क कहा है ना, डार्क का माने शाम ही है, ठीक है, डार्क एंड शाम को ग्लूमी उदासी रहता है एंड फुल ऑफ, इसी तरह बहुत सारे रहस्य है, जैसे कि शाम के वक्त में जब वो छांव गिरता है, नहर तंग हो जाता है, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, खूबसूरत नदी है इन विंटर, बस स्ट्रीम तक डाल देना, नहीं नहीं और डालो, बस यहीं तक, यहाँ तक स्लो तक कर देना आपको, ये स्लो है, स्लो तक आपको डाल देना रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या है जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। आगे कह रहे हैं व्हेन डिड राइटर राइट दिस विल, तो इस नियम को कब लिखा राइटर ने, कब लिखा है, तो इसको आपने यहीं से डाल देना है, 21 जून को 1954 में लिखा था। आपको यहाँ से लगाना है दिस विल राइट यानी रोड दिस विल एंड स्टेटमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 21st डे ऑफ जो ईयर्स 1954, तो यहाँ तक डाल देना है, ठीक है। विल से पहले आपको बस राइट लगा, रोड लगाना, रोड यानी लिखा इस दिस विल को, सॉरी यहाँ दिस विल से लगाना आपको। चलिए आगे क्या है, आगे ये दो दो क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, व्हाई डज नेहरू इसको गंगा नदी ऑफ भारत के गंगा नदी क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन आपको बना के लाना है। इसी तरह वाई वाज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द यमुना, और गंगा जमुना से इनका जो गहरा ताल्लुक क्यों हुआ था, ये तो बचपन से क्या कर रहे थे, इनका याददाश्त था, बचपन से इससे प्यार था। वाई इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, तो जिस चलिए इस क्वेश्चन को मेरे पास मैं मुझे कहीं जाना है अभी फ़िलहाल, तो कोई हो सके तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस चैप्टर को भी डाल दूँगा, इसको भी थोड़ा सा देख करके मैं एक बार डाल दूँगा, इस ये भी किताब सही है, अभी मुझे कहीं जाना है तो इसलिए सॉरी। अगर आपको चाहिए वाला भी क्वेश्चन तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं फ़ौरन डाल दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।